ये अपनी रही बस भाई, ये जाएगी हमें लेके होयान। You like this? Yes, it's very beautiful. It's a beautiful. Yes, very beautiful. Yeah, it's a good. Nice, yes. एक साइड विला है और बूट वगैरह सब है यार, तो घुसना इसी में। So, hey guys, good morning. कैसे हो आप लोग? और कैसा लग रहा हूँ मैं? आज वियतनामी और इंडियन कल्चर। ऊपर टोपी है जो वियतनाम का कल्चर है, नीचे अपना गमछा है जो हमारा इंडिया का कल्चर है। फिलहाल आज मैं यहाँ से निकलूँगा, वो भी यहाँ से 800 किलोमीटर दूर जाना है, होयान। होयान भी यहाँ का बहुत ही खूबसूरत जगह, वहाँ पे जाऊँगा। लेकिन यहाँ पे जाने से पहले ना, यहाँ पे बहुत सारी बात हुई है। एक भाई से मिलवाता हूँ जो यहाँ का लोकल डिश ट्राई कराने वाला है। तो यहाँ पे हम थे, ये मैडम थी, हेलो, से हेलो, बाय बाय। अभी तो हम इनके पास थे, नाइस टू मीट यू एंड आई होप आई विजिट अगेन। या ऑफ कोर्स, बिकॉज दिस इज ए गुड एनवायरनमेंट फॉर ट्रैवलर। या सो या आप जरूर आना यार, अगर हॉस्टल में रुकना है ना तो यहीं पे आके रुकना, मैं यही आपको रिकमेंड करूँगा। हॉस्टल कहीं भी मिल जाएंगे लेकिन ये वाला अच्छा मिलेगा। यहाँ का एनवायरनमेंट जो है ना वो अच्छा है, से गुड एनवायरनमेंट आई से माई ऑडियंस। यहाँ से हम निकलेंगे, 3 बजे हमारी बस है, और कैसे जाते हैं वो भी आपको इस वीडियो में दिखा दूंगा। तो देखो यार कमेंट में जो बताना कि मैं लग कैसे रहा हूँ। इट्स लाइक ए डिजर्ट, ओ माई गॉड। तो भाई ने ये हमें ऑफर किया है यहाँ का डेलीगेसी, यानी यहाँ का लोकल जो फूड है ना, व्हाट इज द नेम दिस फूड, ऐसे लोकल नाम इसका बन काम है और कुछ ऐसा है, और मीठा मीठा है। तो पहले ये खाऊंगा, उसके बाद ये खा के बताता हूँ कैसा लगा। या इट्स गुड, इट्स स्वीट, Sweet, yes, but little bit sweet. Yeah, yeah, yeah. It's good for sugar patients. Yeah. भाई साहब ये यहाँ का लोकल था, अब बहुत ही अच्छा लगा, सच बताऊँ तो अच्छा लगा खा के। देखो यार यहाँ पे ना मैं ये गमछे का क्या क्या यूज है, यहाँ पे मैंने सिखाया भाई को कि हमें इसका यूज क्या क्या कर सकते हैं। सो यू लाइक दिस, दिस कलर, दिस इज इन इंडिया इज ए भगवा कलर, लाइक ए आवर गॉड, दिस कलर आवर गॉड राम, श्री राम, दिस कलर बिलोंग। So I can't touch my food. He don't touch. Yes. It's holy, sacred. Yeah. This only this color is a same like this cloth. Yeah. I do. Yeah. Okay. But this color I don't do. Yeah. Because sacred. This is a God. Holy color. Holy color. So only like this or like this. Only for the body. Only for the like this. Above the stomach. You like this? Yes. It's very beautiful. It's a beautiful. Yes. Very beautiful. Yeah. It's a good? Very nice, yes. भाई साहब देखो कितना मस्त लग रहा है। अब यू वांट वन लाइक दिस, इट्स लाइक दिस, हरे राम हरे कृष्णा, हां यू नो हरे राम हरे कृष्णा, यस, हरे कृष्णा इज द रिलीजन, राइट? रिलीजन, या हिंदूइज्म, हां हिंदूइज्म, यू पुट इट लाइक दिस, या लाइक दिस, या आल्सो लाइक दिस, इफ आई गो टू नेपाल वेरी कोल्ड आई यू से लाइक दिस, या लाइक दिस, इट्स इन इन गोइंग टू कोल्ड एरिया यू आल्सो लाइक दिस, ओह या एंड हॉट एरिया लाइक दिस, हां, और वन मोर लाइक दिस, yeah, like that. And also like this, yeah, like this. Yes. You know? In the desert. Yeah, desert? Going to the desert? No, that's good. Yeah. That's good. Yeah. Yes, that's good. Yes, when I go to India, 100%. Yeah, like this. Yeah. You look good. Yes. Good, no? Thank you. Yeah, he's got photo. Yeah. Yes. You'll probably take it up to YouTube, right? Also, yeah. Yeah. देखो भाई कितना छकास लग रहा है अपने भगवा कलर में। वाह भाई मस्त लग रहा है ना। सो अब यहाँ से निकलते हैं क्योंकि अभी यहाँ से आगे भी जाना है, और आगे जहाँ जा रहा हूँ ना उसको सिटी ऑफ लालटेन बोलते हैं। जैसे हमारे तो लालटेन जलाते हैं ना रात को आसमान में छोड़ देते हैं स्काई में, वैसी जगह हम जा रहे हैं। यस गुड, यू इंडिया यू कॉल मी, ओके, दिस इज इंडियन, ओके, फॉलो आवर ट्रेडिशन आवर कल्चर, ओके बाय, फिर मिलेंगे, नमस्ते, बाय, या सेम, ओके बाय बाय भाई साहब, मजा आ गया यहाँ पे, तो फिर मिलेंगे, ठीक है? Yes, yes. I contact you when I yeah, yeah, yeah. भाई साहब 1 घंटे से मैं यहाँ पे था, 1 घंटे से इन लोगों से बात कर रहा था, बहुत कुछ बात किया, और ये गमछा अब हटाने का मन नहीं कर रहा। यहाँ पे गमछे के बारे में बताया और इस कलर के बारे में बताया, नोट ए कलर, आप जानते ही हो। तो चलो यहाँ से हम निकलते हैं और लेते हैं बस, जो हमारी बस है 3 बजे है, दिखाते हैं बस का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। अगर आप भी यहाँ से हो ची मिन्ह से होयान जाते हो, दानंग जाते हो, तो आराम से इस बस से जा सकते हो। इस जगह को आपने पहचान ही लिया होगा, यहाँ भाई रेगुलर हम आ रहे थे 4-5 दिनों से, यही था बोबिन स्ट्रीट, मतलब यहाँ 4-5 दिनों से हम रेगुलर आ रहे थे रात को, अब पक गए थे यहाँ के नाइट लाइफ से। अब यहाँ से आगे तो जाना ही है क्योंकि अलग ही डिफरेंट ही दिखाना है, तो भाई यहाँ से निकलना पड़ेगा। माहौल यहाँ बहुत ही खूबसूरत था, यहाँ पे हम आ रहे थे खाने के लिए,
क्योंकि नॉन वेज तो यहाँ पे हम खा नहीं रहे हैं। तो ये सर्कल के, इसको ओके बोलते हैं यहाँ पे। तो ऐसा था कि बस लेने ज़्यादा दूर जाना नहीं था, बस जो मिल रही है ना, बस बुईबीन स्ट्रीट के बाहर जो एक मेन रास्ता है, उसी रास्ते पे यहाँ पे बस टर्मिनल है, मतलब बहुत सारी बस सर्विस है यहाँ पे। सो हमारी बस सर्विस इधर ही है, पता नहीं अब देखना पड़ेगा कौन सा है, भूल गया हूँ मैं, बस इधर ही है, ज़्यादा दूर तो है नहीं। सो जितने भी सर्विस है ना, सब एक ही जैसा लग रहा है, इसीलिए देखते देखते मैं जा रहा हूँ। हे सी यू अगेन। तो ये था फूटा बस सर्विस, और यहाँ से ना बस ये लेके जाएगी बस स्टैंड जहाँ इनकी होगी वहाँ तक, ये बस लगी है सामान। हमें ये लेके आ चुके हैं, एक बस स्टैंड है, जो मेन बस है ना जिससे हम जाने वाले हैं, वो बस हमें यहाँ मिलेगी। हाँ, ये अपनी रही बस भाई, ये जाएगी हमें लेके होयान। और बस का कंडीशन क्या ही बताऊँ, गजब का बस है। और इसका हम पे कर रहे हैं 1400-1500 रुपये, यानी यहाँ का 4 लाख, 4 लाख पे कर रहे हैं यहाँ का। शूज शूज साइड, ओके। चलो भाई, जूता ऐसे हाथ में है साहब। ये रही अपनी बस, देख रहे हो ना, पूरा स्लीपर बना रखा है, 1, 2 और वो भी 3-3 लाइन का बस है ये। और ये स्लीपर है, ये कैसा स्लीपर है यार, बड़ी घटिया स्लीपर है। तो बस के अंदर तो बैठ चुके हैं, और बस यार ऐसी बस मैंने पहली बार देखा है जिसके अंदर कम से कम 40 सीट है, वो भी स्लीपर, 40 स्लीपर सीट है। ऐसे ट्रेन में होता है ना, ट्रेन में तो इससे ज़्यादा ही स्पेस रहता है, लेकिन इसके अंदर स्पेस नहीं है, इसके अंदर इन्होंने सीटें ठूंस रखी है। ये देखो, ये पूरा ऐसे 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन है, वैसे ही ऊपर 3 लाइन है, और पीछे भी इन्होंने स्लीपर बना रखा है। इसके अंदर बिताने हैं 20 घंटे, और बस ये है अपना सीट सोने के लिए। इसके अंदर इन्होंने एक तकिया दे रखा है पीछे, ऐसा कुछ तकिया है पीछे। यहाँ बारिश होना स्टार्ट हो चुका है भाई साहब। ये बस लग्जरियस बस देखने लायक है, लेकिन इसके अंदर कुछ नहीं है। अगर सफ़र कर रहे हो ना तो बोर हो जाओगे, क्योंकि इसके अंदर आप सो जाओ, चार्जिंग केबल भी नहीं है। आठ बज चुके हैं, और 8 बजे कहीं रुकी है खाने के लिए। सो चलते हैं बाहर और देखते हैं खाने के लिए क्या है, क्या ही सिस्टम है। देख रहे हो ना, बस के अंदर ना जूते भी देंगे ये, जूते नहीं चप्पल देंगे ये। और ये बाहर आने के लिए, बाहर निकलते निकलते ना ये टी दे रहे हैं, इससे फॉर टेस्ट या फ्री चेस। इतना बड़ा सा ये कॉफ़ी था, और ये मैडम दे रही थी ऐसे वियतनामी कॉफ़ी टी, थैंक यू ओके टाई। तो ये रहा भैया यहाँ पे खाने के लिए, वाह बहुत ज़्यादा स्पेस है। चलो देखते हैं भाई, कुछ तो खाते हैं, चावल वगैरह, चावल तो दिख रहा है, चावल ही खाना है। चिकन राइस भाई, जो ट्रांसलेट करने में दिक्कत हो रही है, देखते हैं, समझाना समझना बहुत मुश्किल है यहाँ पे। हाँ ठीक ठीक, चावल मेरे को खाने की आदत नहीं है, चावल चावल कर दिया था भाई। ये चावल चिकन माँ बाबू बिहारी है ना, क्या करें, अपने को चावल खाने की आदत नहीं है। तो फाइनल यार, आज बहुत दिनों के बाद मुझे चावल मिला है खाने के लिए। तो यहाँ पे मैं चावल, चिकन, आलू की भी सब्जी है, और ये इन्होंने कुछ दिया है सूप जैसा, पता नहीं क्या है, लेकिन हाँ अच्छा है। और वो मिला है 50,000 में। चलो भाई खाते हैं फटाफट। तो देखो यार, यहाँ पे ना मैं पहला बंदा हूँ जो हाथ से खा रहा हूँ, और लोग मुझे देख रहे हैं कि हाथ से क्यों खा रहा है, क्योंकि लोग यहाँ पे इससे खाते हैं, इससे पकड़ गया, जिसे मुझे आता नहीं है खाना, मैं चम्मच से और हाथ से दोनों चीज़ों से खा रहा हूँ। ओके थैंक यू, खुमाओ, ओके बाय। सो चलो भैया, खाना वाना तो हो गया, खाना मतलब आज बहुत दिनों के बाद भर पेट खाया था, ओके खुमाओ। बहुत दिनों के बाद खाना खाया था भर पेट। यार तो रात के 2 बज चुके हैं, और बस ना कहीं भी रुक जाती है बाथरूम वाथरूम करने के लिए। जैसे हमारे तरफ सिस्टम होता है ना कि कहीं पेट्रोल पंप पे रुकती है, या कहीं पे स्टेशन बनाया होता है रुकने के लिए, वैसा नहीं है। इधर बाथरूम करने के लिए कहीं भी रुक जाती है, और ऐसा नहीं है कि लेडीज़ के लिए प्रॉब्लम है, लेडीज़ भी ऐसे जेंट्स जैसे उतर के कहीं भी बाथरूम चली जाती है। ये यहाँ पर देखा मैंने, यही ध्यान रख रहे तू। और ये देखो अंदर से कुछ ऐसा लग रहा है, ऐसे लग रहा है ना कि हम क्लब में बैठे हैं। टीचर है, टीचर यार। ये भाई ना गुस्सा हो जा रहा है कभी कभी, हम लोग बात कर रहे हैं ना तो बोल रहा है, चुप हो जाओ, ऐसे टीचर जैसे। चलो फिर देखते हैं सुबह कितने बजे तक पहुंचती है।
मॉर्निंग गाइस, कैसे हो? सुबह हो गई है, सुबह के बज रहे हैं 7 और सुबह सुबह इतना ज़्यादा करारा धूप निकला हुआ है ना, और यहाँ से मात्र बचा है 150 किलोमीटर जहाँ पे हम जा रहे हो। यहाँ बाहर की खूबसूरती आप देखो, कितना ही खूबसूरत लग रहा है। ये पूरा गाँव है और कितनी हरियाली है ना, इधर धान की खेती हो रखी है, सामने इतना खूबसूरत पहाड़ और रास्ता भी बहुत ही खूबसूरत है यार। लाइफ की सबसे बड़ी बस जर्नी थी हमारी 20.5 घंटे की। अभी समय 10:30 हो रहा है और हम पहुंच चुके हुए हैं होयान। यहाँ भी सेम बस सर्विस का ये ऑफिस है। अब पता नहीं सिटी के अंदर ये कैसे छोड़ेंगे हमें। ये छोटी वाली जो गाड़ी होती है ना इनकी, इससे छोड़ेंगे। आई कैन ड्रॉप ना इन सिटी, यू ड्रॉप। ओके भाई, तो बहुत ही खूबसूरत जगह है यार। अंकल जी सब ठीक ठाक? सब ठीक ठाक। तो ये हमने कर लिया है बाइक, ओके थैंक यू, कम ऑन। और ये अपना रहा विला, लेक साइड विला है और पूल वगैरह सब है यार, तो घुसना है इसी में। रूम दिखा देते हैं, कितने का मिला है वही बता देते हैं और उसके बाद इसमें आगे घुस जाते हैं। फिलहाल हमने यहाँ पे बहुत दिनों के बाद यार मिला है हमें बनाना शेक जो है 20,000 का। फिलहाल बता दूं कि अगर आप यहाँ पे स्टे करना चाहते हो तो यहाँ पे बहुत सारे विला है, विला में ये स्टे करना जहाँ पे आपको ऐसे पूल वगैरह मिल जाएंगे। ये जो गांव है ना, ये जो होयान है, ये पूरा टूरिस्ट प्लेस है। और हमारे रूम में साइकिल कम्प्लीमेंट्री है, यानी ये जगह पे लोग साइकिल भी चलाते हैं आके, क्योंकि ये जगह छोटा सा है तो साइकिल से कवर हो जाएगा, तो साइकिल से जाएंगे घूमने के लिए। फिलहाल जूस का मजा लेते हैं, उसके बाद फिर आपको रूम टूर भी दे देंगे। हाय से हाय, व्हाट इज योर नेम? चंदन, यू नो चंदन? या चंदन, इट्स गुड प्रोनाउंस, गुड चंदन, ची नहीं सी, सी चंदन, हाँ चंदन, हाँ चंदन, सेम नाइस टू मीट यू टू, इट्स गुड यार। इट्स योर फैमिली फोटो? That is my sister family photo. Sister family photo. Yeah. Wow, nice. भाई रूम तो देखने में अच्छा लग रहा है। तो finally यार पहुंच चुका हूँ रूम में। रूम में आते आते जैकेट वगैरह निकाल दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है बाहर, और अंदर चल रहा है पूरा ठंडा AC। और ये अपना रूम रहा, डबल बेड का रूम है। बाथरूम वगैरह दिखा दूँ, ये बाथरूम है, ये बाथरूम ही बड़ा सा है। तो बता दूँ कि ये रूम हमें कितने में पड़ा है, हमें पड़ा है 4,50,000 में, वो भी 2 दिनों के लिए। तो 2 दिन हम घूमने वाले हैं इस हेरिटेज विलेज को। चलो थोड़ा रेडी हो जाते हैं, उसके बाद थोड़ा बाहर निकलते हैं।